ये देखिए कितना अच्छा है बनाए आटे का पापड़ तो चलिए आज हम बनाते हैं आटे का पापड़ जिसके लिए मैंने एक लीटर पानी ले लिया है और तीन चार चम्मच आटा ले लिया है जिसका मैं घोल तैयार कर लूँगी पहले से ही क्योंकि अगर बाद में गर्म पानी में डालेंगे तो वो घुटलियाँ बन जाएंगी तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शिखा शिखा रेसिपी टिप्स में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ले आई हूँ आटे से बनने वाला पापड़ जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है तो चलिए देखते हैं ये मैंने गरम पानी में ही ब्लैक पेपर डाल दिया और जीरा डाल दिया और उसके बाद मैं डाल दूँगी सॉल्ट सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए क्योंकि कम कम रहता है तो पापड़ तलने के बाद ज़्यादा लगने लगता है तो इसलिए से सॉल्ट हमेशा कम ही डालिए और रेड चिल्ली पाउडर उसके बाद मैं इसे एकदम खोल जब ये खोल जाएगा पानी तभी हम उसमें जो आटे का घोल बनाया है मैंने हम तभी डालेंगे उससे पहले नहीं डालेंगे तो ये देखिए जो मैंने आटे का घोल बना रखा है अब मैं उसको इस वक्त ही डाल दूंगी और हिलाते हुए डालूंगी नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी तुरंत तो इसलिए आप इसे चलाते रहिए और आटे का घोल मिला दीजिए उसके बाद इसे तब तक मिलाना है जब तक ये गाढ़ा थी पेस्ट ना हो जाए एकदम आपको डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए आपको अगर गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें आटे की मात्रा बढ़ा सकते हैं और कम चाहिए तो आटे की मात्रा को घटा सकते हैं मुझे थोड़ा पतला पापड़ पसंद है इसलिए मैं थोड़ा हल्का गाढ़ा रखती हूँ आप चाहें तो गाढ़ा और रख सकते हैं थिक रख सकते हैं बहुत ज़्यादा उसे आसानी से फैला सकते हैं तो मैंने इसको इस तरह से गाढ़ा बना लिया उसके बाद मैंने धूप में इसको ऐसे फैला दिया है चिमचे की सहायता से और आप पन्नी को सीधा कर कर के फैलाइए नहीं तो बीच में अगर कहीं पे मुड़ा रहेगा तो वो पापड़ टूट जाते हैं तो ये इस तरह से मैंने इसको सारे पापड़ों को फैला दिया जितना था और उसके बाद जब ये मेरे पापड़ सूख गए हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे सूखे हैं बहुत टेस्टी भी बने हैं आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार चलिए मैं आपको तल के दिखा देती हूँ तो ये मैंने इसको तल लिया है ये देखिए इस तरह से तल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं बहुत ही अच्छे घर के आटे से बना हुआ पापड़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट करके ज़रूर बताइए